माँ बनना एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उसे प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ऐसे कम पल हैं जिनको आप अपने तक सीमित रखें तो हमेशा फलते फूलते हैं मेरा शरीर ना भभकता था ऐसा लगता था रोज़ फीवर है इतनी गर्मी होती थी मैं जब भी होटल पहुंचती थी मेरे नाक से हमेशा खून निकलता था मैं हमेशा अपने गायनोकोलॉजिस्ट को फोन करके इज इट फाइन इज इट फाइन इज लाइक मेरे पूरे स्केड्यूल में सिर्फ मेरा स्टाफ जानता था दैट आई एम प्रेगनेंट बाकी सेट पे कोई नहीं जानता था और ना ही मैं इस चीज को एक्सक्यूज बनाना चाहती थी आपके अंदर जो जिंदगी पल रही है उसको आप पहली बार देखते हैं वो स्कैन हमने किया हम घर वापस आए और रस्ते में एक्सीडेंट हो गया मुझे अपने मुझे खुद के लिए डर नहीं था कि हाई एक्सीडेंट में क्या हो गया मुझे तो नहीं लगा मुझे ये था कि आर देफ एंड साइड मतलब विद इन थ्री और फोर डेज ऑफ डिलीवरी से उठकर प्रमोशंस के लिए जाना पड़ेगा तो आई एम टू डू इट नहीं आई एम गोना डू इट आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर्स मेरी मॉम ने हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड खुद काटा है ब्लेड से और खुद मुझे नहला दला के रैप करके अपना दर्द वो भूल गई वो कहते हैं ना कि थिंग्स गेट बेटर आई से यू गेट स्ट्रॉन्गर सच काल जी मैं भवनीत कौशल तुसी देख रहे हो एबीपी सांझाते आज ना मेरा दिल कह रहा है चल पांच चलिए वो है हुन दो बच्चा दी मम्मी शी इज हैप्पीली मैरिड बट सोनी नहीं लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है चल यार पांच चलिए चल <laughs> पांच चलिए रवीना दलैक वेलकम टू एबीपी एंड वेलकम टू न्यू लाइफ थैंक यू थैंक यू थैंक चाल <पथ चालिये। laughs> <laughs> दे, सारे चल ना। <laughs> लोगों को तुमने वो कोई भी काम करना है, चल पज चलिए मुवी देखने जाना चल पज चलिए वेकेशन के लिए जाना चल पज चलिए थक गया सियापा हो गया चल पज चलिए क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेन फॉर द डेब्यू

पंद्रह साल काम करके अब थोड़ा सा यू uh, नो you know, एक ईज uh, आ गया है बिल्कुल नहीं नया काम होता है वो नई फ्रेशनेस के साथ जो नर्वसनेस आती है वो हमेशा रहती है और स्टेज फ्राइट होता है ना hmm. आप कितने भी डिबेट्स uh, डेक्लमेशनस कितने भी स्पीचेस दे दो जब आप पहली बार स्टेज पर फिर से कदम रखते हैं आपको वो नर्वसनेस रहती है एंटिसपेशन होती है तो आज भी वही है hmm, और Yeah, I mean, like, uh, और क्या वैसे लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था, शरयाम था। इन्होंने झूठ बोला मैंने ना उन दिनों में खबरें आई थी जर्नी शुरू हुई है ना जब आपने अनौस, अनौस किया और उसके बाद आप ओपनली सोशल मीडिया पर आकर आपने बात करनी शुरू की मैं मेरे दिल से पता क्या निकला प्राउड ऑफ थैंक यू क्योंकि बहुत लोग उन मुश्किलों की बात नहीं करते हैं जिससे वो गुजरते हैं वो सिर्फ अच्छा अच्छा गुड़ी गुडी दिखाते हैं लेकिन रुबीना ऐसी नहीं है रुबीना ने अपनी प्रेगनेंसी को सबके सामने रख दिया देखो मैं इससे गुजर रही हूँ मैंने ये कुछ किया है ये डिसीजन कैसे आया और वो खूबसूरत मोमेंट्स में अब जानना चाहूँगा जब ये खबर मिली थी सबसे पहले आ, जी हमारे कल्चर में क्या होता है ना माँ बनना एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उसे प्रोटेक्ट करके रखना मतलब मैं आपसे कह रही हूँ मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी आप पर दादी बनने वाली हैं तो उन्होंने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो दादी कहती है इसे संजो कर रखो और जितना हो सकता है ना अपने तक ही रखो मैंने कहा ओके और हम बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा से मानते आए हैं और जब हमें ऐसा लगा कि अब हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं अब हमें दुनिया को बताना है अपनी खुशी जाहिर करनी है तब हमने ये खुशी जाहिर की और बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है और दादी ने हमसे कहा था कि छः महीने पहले गुजर जाने दो उसके बाद आप शेयर कर सकते हो तो हमने वो बात मतलब सराखों पर रखी और हमने इस बात की अहमियत समझी कि क्यों वो चाहते हैं कि हर यू you नो know, बहुत जीवन में बहुत ऐसे कम पल हैं जिनको आप अपने तक सीमित रखें तो हमेशा फलते फूलते हैं और माँ बनना एक ऐसी ही चीज़ है और जब इस खुशी का एहसास हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हम अच्छे पल और ख़ासकर माँ बनने के साथ नए जीवन आने के साथ बहुत सी ऐसी रोज़ी पिक्चर्स बना लेते हैं बट मैं इवेंचुअली आपको बताऊँ ये कम से कम सत्तर से अस्सी प्रतिशत स्ट्रगल है एक नई माँ के लिए नया जीवन आता है बच्चों के साथ एक नया मतलब हर चीज़ नएपन में जो खुलती है ना वो आपके लिए ग्रास्प करना बहुत मुश्किल हो जाती है uh, मैं ऑलमोस्ट 4.5 पॉइंट फाइव मंथ प्रेगनेंट थी जब आपने भी इंटरव्यू किया जब मैं फिल्म कर रही थी बहुत मुश्किलें आई बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई क्योंकि आ, गर्मी में शूट होता था मैं लाइक like, हैरान <laughs> हूँ मैं सॉरी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं सेट पर मौजूद था उस उस दिन इतनी गर्मी थी कि वहाँ पर पोर्टेबल ए लगाने पड़े थे ओपन साइड में हाँ जहाँ पर आप बैठकर शूट कर रही थी बट इस लड़की की

मेरा शरीर ना भभकता था ऐसा लगता था रोज़ फीवर है इतनी गर्मी होती थी मैं होटल जाकर मैं बाथ टप में आइस क्यूब्स कलेक्ट करती थी आई यूज़ टू टेक डिप्स इन द आइस वो क्योंकि एक तो शूट की गर्मी ऊपर से जनरली गर्मी बहुत लगती है मैं जब भी होटल पहुँचती थी मेरे नाक से हमेशा खून निकलता था मैं हमेशा अपने गायनकोलॉजिस्ट को फोन करके इज़ इट फाइन इज इट फाइन इज़ लाइक यू आर वर्किंग अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड गर्मी कि इट योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट वो रूबी ना प्लीज टेक इट ईजी बट आई नेवर वॉन्टेड ऑल दीज चैलेंजेस टू हेम्पर माई वर्क तो मैंने ये बात हमेशा अपने तक रखी मेरे पूरे स्केड्यूल में सिर्फ मेरा स्टाफ जानता था दैट आई एम प्रेग्नेंट बाकी सेट पे कोई नहीं जानता था और ना ही मैं इस चीज को एक्सक्यूज बनाना चाहती थी जबकि लाइक like, होस्ट ये भी इसका दूसरा पहलू हो सकता था आप सबको बताती तो सब ओवर केयरिंग हो exactly, जाता है एग्जैक्टली सब वो मतलब रुबीना yeah. का ध्यान रख रहे हैं वो हाँ। कर रहे हैं मैं वो नहीं चाहती आई डोंट वांट टू टेक द अटेंशन फ्रॉम द वर्क टू आओ मेरी सेवा करो या यू नो नाउ आई एम एट दिस पेडेस्टल बिल्कुल नहीं मैं अपने काम में और अपने पर्सनल uh, लाइफ में इतना बैलेंस स्ट्राइक करना चाहती हूँ दैट इट शुड नॉट बिकम एन हिंड्रेंस एंड दैट वाज द होल इंटेंशन ऑफ डूइंग इट फिर मैंने उनसे कहा कि आ, और मैं अभिनव से जब भी बात करती थी तो मैं उनसे कहती थी कि यार आज मतलब मैं आपसे बता रही हूँ एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जब कोई ना कोई इशू ना हुआ हो कभी पैर इतने सूज गए घर पहुँची मतलब होटल जब पहुँची कभी uh, नाक ब्लीड कर गया Uh, कभी कभी uh, मतलब आई यूश टू थ्रो अप सो मच क्योंकि नोजिया था और मैं जैसी होटल uh, पहुंचती थी सर दर्द हो रहा है पर मैं सेट पे कभी भी किसी को एहसास नहीं होने दिया सो कमिंग बैक टू द आई मीन हाउ यू आस्ट अबाउट इट के इट इज़ अ ब्लेसिंग बट द चैलेंजेस एंड द स्ट्रगल्स एंड द हर्डल्स जो इसके साथ आते हैं उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है और दैट वॉज द होल रीजन वाई आई स्टार्टेड विद माई ओन शो किसी ने बताया नहीं विच इज़ डेडिकेटेड टू यू नो मदरहुड यू नो हुड एंड हमारी जो स्ट्रगल्स हैं तो सब वो रोजी पिक्चर ट्वेंटी परसेंट की जो रोजी mm. पिक्चर है वही शेयर करते हैं बट वॉट वी गो थ्रू एक्चुअली आई रियलाइज ज़्यादा डिफिकल्ट

लाइक like, uh, क्योंकि आपसे मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आपसे और ज्यादा लगाव लोगों को हो जाता है जो तो मुझे भी हुआ क्योंकि मुझे था कि मैं जानूं और क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में उस वक्त मुझे लगता है कि आपने कई नज़रिए कई टैबूस को तोड़ दिया क्योंकि हम बड़े हुए हैं ये सुनते हुए कोई प्रेगनेंट अरे नहीं 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 मेरे टाइम तो ऐसा था तू ऐसे नहीं ये ज्यादा कर रही है

कि हम सब कुछ भूल जाते हैं hmm. हम अपना दर्द अपना वो क्या बोलते हैं एंजाइटी अपने हार्मोनल चेंजेस यहाँ तक कि जो बाल झड़ रहे हैं स्किन अजीब हो रही है yeah, हम सब ना लोगों के? मैं आपको इट एक्चुअली हाँ. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ चंडीगढ़ फॉर द प्रमोशन पहली बार मैंने अपनी तीन महीने की बेटियाँ जो है उनको घर पर छोड़ कर आई हूँ मम्मी और अभिनव के साथ इज़ द फर्स्ट टाइम इट एंड मुझे ऐसा लगता था दैट आई विल बिकम अ वेरी कूल एंड अ मदर आई विल करियर मतलब ऐसा कि कुछ हुआ नहीं है <laughs> और ये नहीं सब मैं, मैं कर मैं सब मैं सब कर लूंगी एंड मतलब बिना किसी उफ के जिस दिन मुझे घर से निकलना था मैं दो दिन से मेरे शरीर में कुछ अजीब सा दर्द दिल में एक भारीपन क्योंकि मुझे लग रहा है अब मुझे जाना है अब मुझे मेरी बेटियों को छोड़कर जाना पड़ेगा अब और मैं सोच रही हूँ कि रुबीना व्हाई यू थिंकिंग सो मच व्हाट इज हैपनिंग विद यू सो दैट इज मम्मी is, है अंदर इट इज द मदरहुड यस व्हिच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन लाइक इस चीज को आप भी मानती हो कि माँ बनने माँ बनकर एक्चुअली क्या फील करता है बंदा वो तभी पता लगता है जब, जब आप, आप एक बार मां मा बनते बन जा। हो ना मेरी मम्मी भी लगती है

Uh, पहला स्कैन जो होता है वो तीन महीने में स्कैन होता है जहाँ एग्जैक्टली exactly पता चलता है कि यू नो चाइल्ड ग्रोथ कैसी हो रही है पहली बार आप स्कैन पर uh, आपके अंदर जो uh, ज़िंदगी पल रही है उसको आप पहली बार देखते हैं वो स्कैन हमने किया हम घर वापस आए और uh, रस्ते में वो एक्सीडेंट हो गया पहली बार मैंने एहसास किया है कि अपने अलावा किसी और के लिए जीना क्या होता है क्योंकि वो जो डर उस दिन बैठा ना मुझे अपने मुझे खुद के लिए डर नहीं था कि हाई एक्सीडेंट में क्या हो गया मुझे तो नहीं लगा मुझे यह था कि आर दे और वो जो डर अपने अलावा किसी और के लिए जब होता है वो उस 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 डर का एहसास उस दिन पहली बार हुआ सो यू नो दैट किक इन ऑफ अ मदर ऑफ हर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट दैट वॉज द थिंग आई आई एक्सपीरियंस मैं अभिनव को ना मतलब लिटरली मैं ऐसे रो रही हूँ मैं अभिनव को बोल मुझे अपने लिए डर नहीं है आई एम फाइन आई टू नो वेदर दे आर फाइन और नॉट हमने इमीडिएटली यू नो डॉक्टर्स को फ़ोन किया उन्होंने स्कैनस uh, वगैरह फिर से किए हम रात को बहुत देर रात घर लौटे uh, हमने कंप्लेन फाइल की क्योंकि वो हमारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ ना मैं आपको बता रही हूँ uh, ऐसे एक्सीडेंट्स आई थिंक मोर देन हंड्रेड्स दे हैपन एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ द एंड जब खुद को डर लगा ना और जब खुद को ऐसा लगा कि ओ माई गॉड क्या हो सकता था उस दिन अभिनम ने आ, ये बात ठान ली थी hmm. कि यार ये रेकलेस ड्राइविंग ना आई विल टेक आई विल टेक पर्सनल चार्ज ऑफ इट कि मतलब मैं उस इस एग्जाम्पल से जो हम जिस hmm. डर से हम बीते हैं किसी और के साथ ना हो ना हो जितना इसके लिए कर पाएंगे उफ जितना कर सकते हैं हम करेंगे एंड हम हमारे साथ जब चीज़ें बीतती है ना तो हमको समझ में आता है कि यार मतलब लोगों पर क्या है क्या ही बीतती है लोग अपने परिवार यू you know, परिवार में लोगों को खो देते हैं बच्चों को खो देते हैं मतलब ऊपर वाला हैज़ बिन रियली वेरी काइंड अगर उस दिन कुछ हो जाता सो आ, आ, हमने ये बात अपने तक सीमित रखी रीजन के हमने इतनी जल्दी खुलासा नहीं किया बहुत सारी चीजें चलती लेकिन जितनी हो सकती तो तुम्हारी है ना? मत, <laughs> मत। पर अब जब मैं पीछे देखती हूँ मुड़कर ना मैं ah. सिर्फ मेरे दिल से ना शुक्र गुजर मतलब वो फीलिंग आती है

आई टोल्ड माई प्रोड्यूसर्स आई से तीन दिन चार दिन पाँच दिन के बाद भी मुझे अगर उठकर प्रमोशंस के लिए आना पड़ेगा आई एम गोन डू इट डो नॉट वरी अबाउट इट ये तो मतलब वेयर वी वॉन्ट टू सेट द एग्जाम्पल फॉर आर चिल्ड्रन ऑल्सो कल दिन को जब मेरी बेटियाँ बड़ी होंगी और वो देखेंगी वॉट माई मदर हैजन सो दीज आर दिंग्स आई वॉन्ट टू टीच दम और मैं सिर्फ बोलकर नहीं बता सकती हूँ ना mm. मैं जब लाइफ में खुद प्रैक्टिस करूंगी ये सब चीजें यू नो द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन द आर्ट ऑफ यू नो बीइंग ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आई वांट टू इनकलकेट इन माय डॉटर्स

हम ना वो कहते हैं बड़े कैजुअल होते हैं कि यार माँ बनना कौन सी बड़ी बात है दुनिया में इतनी औरतें तो हैं इतने बच्चे तो पैदा कर रही हैं इसमें कौन सी ही बड़ी बात है क्या ऐसी मतलब ख़ास बात है हम ना बहुत आ, वो बोलते हैं ना बड़ा ही कम आंखते हैं और इस चीज़ के लिए मुझे एक आवाज़ बनना था इट्स नॉट दैट ईजी इट्स नॉट दैट सिंपल इट्स नॉट दैट रोज़ी

जब मैं डिलीवर हो रही थी कोई नहीं था मेरी बड़ी दादी थी जो बहुत बुजुर्ग थी मेरी मेरी ने हमारा अम्बिकल कॉर्ड खुद काटा है ब्लेड से विदाउट एनी हेल्प मैं आज की रेट में हमें ठोकर लग जाए ठोकर लग, लग जाए मेरी मे, मतलब हाँ। मेरी माँ ने खुद अपने आप को ऐसा क्लीन करके मुझे आ, वो बाहर निकाल के खुद वो यू नो you know, मेरा अम्बलिकल कॉर्ड अपनी ब्लेड से खुद काटा है और खुद मुझे नहा दुला के रैप करके अपना दर्द वो भूल गई एंड शी इज़ होल्डिंग मी एंड वो मेरी बड़ी दादी उनके पास थी जो एक्चुअली कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बुजुर्ग थी वो एंड शी डिड ऑल दैट बाय हर सेल्फ इन अ वेरी स्मॉल डार्क डिंजी रूम एंड शी वॉज देयर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज ईटिंग वन मील डे एंड हाउस उनकी कहानी जो है एंड लास्ट डे तक वो काम कर रही थी खेतों में काम कर रही थी वो जो हमारे जिसमें गोबर डालते हैं ना पीछे जो पीठ में उठाते हैं पंद्रह बीस हाँ, 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 हाँ. हमारे किल्टा बोलते हैं पंद्रह बीस किलो का किल्टा वो था शी वॉज इन लेबर पेन तो वो लेबर पेन में उन्होंने पूरा खेत का काम करके फिनिश करके फिर तीन घंटा खुद वॉक करके हमारे पुराने घर गई है और शाम को मुझे डिलीवर किया है

Uh, मैंने थोड़ा सा ये ब्रेक uh, लिया था बिकॉज आई वॉज रिकवरिंग फॉर फर्स्ट थ्री मंथ्स अब जाकर uh, फिर से क्या बात है और जो फादर होते हैं है ना उनका योगदान मदर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब वो होती है एक uh, like, कैसा था? आपने अपने पति को बदलते कैसा देखा uh, मैं ना उनसे अब अक्सर ये कहती हूँ यू वर अ गुड बॉयफ्रेंड यू बिकेम अ बट अ हस्बेंड बट आई थिंक यू आर द बेस्ट फादर और वो चेंज मैंने खुद देखा है वो चेंज नेचुर uh, आता है और वो भी अक्सर ऐसा मतलब हैरान हो जाते हैं मैंने ऐसा कह दिया मैंने ऐसा कर दिया मैंने ऐसा बोल मैंने कहा यस यू आर डूइंग इट एंड दैट चेंज इज़ ब्यूटफुल मैं देखती हूँ हमारी बेटियों के लिए वो कितने डेडिकेटेड रहते हैं छोटा सा उदाहरण

और uh, जिस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ अगर कोई और बिलीव ना करे ना तो yeah. मैं भाग जाती हूँ एंड फॉर देट मैटर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में मतलब uh, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कोई साथ नहीं दे रहा है मैं ये करूँगी आई एम गो रन टूवर्ड्स इट चाहे वो मेरा शो शक्ति क्यों ना yeah. हो जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल कैरेक्टर uh, मैंने प्ले किया था uh, चाहे फिर वो uh, uh, क्या बोलते हैं अभिनव के साथ अपनी लव लाइफ़ को यू uh, नो you know, uh,

बड़ों का जो हाथ और आशीर्वाद होता है ना शी इज दैट काइंड ऑफ अ शैडो शी इज दैट काइंड ऑफ एन ऑरा एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव बीन एबल टू शेयर द स्क्रीन क्या बात है तो अब बातें तो मेरे ख्याल से वापस आपकी फिल्म की और फिल्मों की और प्रोजेक्ट्स की शुरू हो गई है इस साल कुछ और तोहफे मिल जाएंगे हमें या फिर इस साल Uh, हम आपको youtube पे देख पाएंगे सर <laughs> चल चलपा चल लिए तो लोग देखने वाले हैं 20 exactly. का अप्रैल की शुरुआत इसी हाँ से होने वाली है हां जी हां हाँ 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 जी हां जी uh, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अब अप्रैल के बाद हर महीने आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलती रहेगी एंड एज एन आर्टिस्ट आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस दैट आई एम गोना सर्व

मजेदार हो जाने से पहले दशकों को एक बार अपील कर दीजिए जो आपको बहुत चाहते हैं कि भाई सिनेमा घरों में कब आना है यस yes, पांच अप्रैल को चल पच चलिए हमारी रिलीज हो रही है प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ अपने पड़ोसियों के साथ सबको लेकर आइए और ये फिल्म देखिए क्योंकि ये फिल्म ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि सभी वर्ग के लिए है एंड यूल इंजॉय इट और आप हंस हंस के जो पेट पकड़ने वाले हैं ना और आपके चेहरे पर वो जो खुशी होने वाली है ना वो आप दिनों दिनों तक बातें करते रहेंगे कि चल पज चलिए मैं हमने ये देखा हमने ये किया इस कैरेक्टर ने ये बोला इस कैरेक्टर ने वो बोला हीरोइन ने ऐसा किया हीरो ने ऐसा किया आपकी तो बातें खत्म नहीं होने वाली है क्या बात है, <laughs> है और हम उम्मीद करेंगे कि बातों के साथ साथ इसके बाद पंजाबी ऑफर्स बहुत सारे हों हम हम आपसे मिलते रहें और इसी तरह से आप सभी को इंस्पायर करती रहेंगी और ये जो खूबसूरती है जो मैं कह सकता हूँ ना इनकी जो डबल हुई है आज मैं देख रहा हूँ मम्मी बनने के बाद तो एकदम आपने आपने कहा था ना कि एक नया चेंज आता हाँ, है और एक वो, नया वो वो मैं मैं आपको बताऊ वजन मेरा अभी सबसे ज्यादा है जो मेरा इतने सालों में नहीं कहा से इतनी तो फिट हो मैं वही <laughs> तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना जो एक आई डोंट नो माँ बनने के बाद एक जो नूर कह लो या फिर एक Uh, मुझे तो एक हल्की सी जो अंदर से खुशी होती है ना वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है एंड आई हैव सीन दैट इन एवरी सिंगल वुमन हुज बिकम अ मदर क्या बात है और आपकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें मेरे को लगता है मैं पूरा दिन कर सकता हूं बट समय उतना ही इजाजत दे रहा है बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और आते रहिए मिलते रहिए और आप इनकी फिल्म जरूर देखने जाइए चल पर चलिए रिलीज हो जानी है जाए अप्रैल में पंजाबी फिल्म है एकदम स्वाद आएगा लाइक तुझे ट्रेलर देखो तुम्हें तो पता लग जाएगा कि सिर्फ इस फिल्म एक चीज़ मिलेगी वो हैगा स्वाद तो तारूबीनाई इंद्र चाह सारे लगी जाके फिल्म देखो तो एंटरटेनमेंट दिल्ली बहुत व्डा योगदान जरूर पाएगी कैमरैन संदीपीत कौशल साइनिंग ऑफ कीप वॉचिंग एबीपी साझा